आखिरकार 22 साल के कड़े इंतजार के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका घन कचरा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उनके सपनों के घरों का मकान 22 साल बाद मिल रहा है। कांदिवली पश्चिम के साई नगर में यह देखो उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में घरों की चाबियां बांटी जा रही है। इस अवसर पर विधायक योगेश सागर, विधान परिषद विधायक विजय भाई गिरकर, नगर सेविका प्रियंका मोरे सहित भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। बताया जाता है कि पिछले 2-3 पीढ़ियों से सफाई कर्मचारी यहां पर रहते थे वसाहत में, जिन्हें पुनर्वसन योजना के तहत अब उनके सपनों का घर यहां बिल्डिंगों में दिया जा रहा है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो इन्हें मालिकाना हक का मकान मिलना चाहिए वह नहीं मिला। ये जो संकुल बना है ये मुंबई महानगर पालिका को 22 साल लग गए। कोई अगर बिल्डर को इतना समय लगता है तो उसके बारे में क्या क्या होता है मुंबई शहर में देखा है हमने, होना ही चाहिए। बिल्डिंग बनने के लिए मैक्सिमम 3 साल लगता है, उसके बदले में ये 22 साल लग गया है। ये मुंबई महानगर पालिका का काम करने का तरीका है। 22 साल में मैंने बताया कि जो बच्चा पैदा हुआ होगा ट्रेंचेस कैंप में उसकी शादी होकर उसके भी बच्चे हो गए होंगे, यानी किसी व्यक्ति का जीवन का सुनहरा 20 साल आपने बिगाड़ दिया। लेकिन देरी से क्यों ना हो, आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर चाबी दिया। ये प्रशासन को इतना भी दिल में जगह नहीं है कि ये कार्यक्रम में आकर लोगों को चाबी दे, एक अच्छा मंडप डाले। धूप में हम लोगों को कार्यक्रम करना पड़ा, इसलिए मैंने योगेश भाई ने मुझे बताया कि 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का उसको भाव दिया है, वो बिल्डर के पास है। मैंने कहा कि एक महीने का टाइम दिया है, एक महीने में जितने बच्चियों का यहाँ पर शादी तय हुआ होगा वो सारे शादी का पैसा वो बिल्डर ने देना चाहिए। अब बिल्डर का कहेगा अगर हमको 5,000 नहीं मिला, हमको तो 2,500 रुपये मिला, तो 2,500 रुपये ऊपर का किसने, कौन से पॉलिटिशियन, कौन से ऑफिसर को उसने पैसा दिया है वो हमको याद ही दे देवे, हम उसके पास से लेकर पब्लिक को बांटेंगे, ये मैंने अपने भाषण में कहा है। फडणवीस जी ने हक का घर ओनरशिप में देने का मान्य किया था बीएमसी कर्मचारियों को, लेकिन बाद में सरकार दूसरी आई तो रद्द हो गया, उसके बारे में आप क्या? तो योगेश भाई ने अपने भाषण में बताया कि ये सरकार ने रद्द किया है, इसलिए मैंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो 25 साल हो गए जो कर्मचारियों को उनको ओनरशिप में घर देने का कायदा बनाया, वो कायदे का पेपर मुझे लाकर बता दे तो मैं ये सरकार से संघर्ष करके, वो भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले दिनों में, जिन महापालिका के कर्मचारियों को 25 साल हो गया है उनको ओनरशिप का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। तो 38 महानगर पालिका के कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के स्वच्छता विभाग के कर्मचारी जिन्होंने अपना जिंदगी पीढ़ियों तक महापालिका में काम किया, ऐसे लोगों को यहाँ पर आज सर्विस क्वार्टर दिया जा रहा है। जो निर्णय उनको अपने घर का मालकी हक देने का देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था उसको इस महाविकास आघाड़ी ने फिर से सर्विस क्वार्टर्स में कन्वर्ट किया है, लेकिन उनको सर्विस क्वार्टर्स भी आज 22 साल के बाद मिल रहा है। तो मैं हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, मैं स्वयं विधायक योगेश सागर और हमारे सभी नगर सेवक जिन्होंने इसके लिए काम किया उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और इनको ये बात खातरी देता हूँ कि आने वाले दिनों में आश्रय योजना के अंतर्गत 25 साल महापालिका की सेवा करने वाला सफाई कर्मचारी को अपने हक का मालकी घर उनको दिलाकर हम रहेंगे। सर आज यहाँ पे बीएमसी कर्मचारियों को वितरण हो रही चाबी, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जाकर के चाबी बांटी तो शिवसेना सत्ता में है, हमारी नौकरी के ऊपर तकलीफ खड़ी कर देगी, ये शिवसेना के डर से प्रशासनिक अधिकारी आए नहीं है। आज मुंबई महानगर पालिका के जो सफाई कामगार है उनके लिए 268 लोगों को आज हम लोग चाबी दे रहे हैं। काफी प्रयास करना, काफी संघर्ष के बाद आज सफलता आप लोगों को मिली है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 2 साल पहले तो कोरोना आया था, कोरोना के बारे में ये काम सब रोक गया था, उसके बाद में हम लोग ने बराड़ साहब के साथ मीटिंग किया और ये चाबी देने का कार्यक्रम का आज योग आया। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए घर में आज शिफ्ट हो रहे हैं?
उन लोगों को मैंने बोला कि आज जो आपको घर मिला है ये अपना प्रॉपर्टी जैसा है, क्योंकि ये घर के बारे में बोलेगा तो सफाई कामगार जैसे आदमी लोग, महिला जो सफाई कामगार जो है उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है सालों साल से। वो लोग अपना बीएमसी में जो काम कर रहे हैं वो काम में अभी कोरोना की वजह से भी उन लोगों को बहुत परेशानी आई, लेकिन वो परेशानी संभालने के बाद भी उन लोगों ने ये चावी देने से पहला ये जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया उसी में हजारों लोगों का जो मीन्स कई लोग अपने बीमार थे वो बीमार लोगों को सबको उन्होंने जगाया।